नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं जम्मू के कैनाल रोड शक्तिनगर में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं डोगरा रिचुअल्स जो हैं वो पूरे तरीके से मनाए जा रहे हैं। आज एक त्यौहार है जिसको बच्छ दुआ के नाम से जानते हैं हम, जहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, क्या हकी दुआ जी? ये बच्छ दुआ का त्यौहार है जम्मू मनाया जाता है, तो बच्चे मनाया जाता है, बच्चे की खुशहाली वास्ते। ये किस दिन मनाया जाता है? ये जी जन्माष्टमी के बाद जी आती एकादशी, तो बाद दुआ जी होती दुआ की मनाया जाता है। तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम मंजू है। मंजू, हाँ जी। तो ये देखो, इनका यह आखना है कि जरा जन्माष्टमी के बाद काशती एकादशी आती है, वो उसी बच्चे की उम्र का इसी मनाते ना। साढ़े बारह तो एकादशी है ना, एकादशी बाद आएगी दुआ, तो दुआ की मनाया जाता है। अगर आप कैमरा में देख सकें तो ये देखिए किस तरीके से इस रिचुअल्स को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है जम्मू के अंदर। और ये देखिए पूजा की जा रही है नहर के किनारे, जो कैनाल नहर है उसके, रणवीर कैनाल, उसके किनारे ये पूजा की जा रही है। और यहाँ पे बच्छ दुआ का ये जो त्यौहार है पूरे धूमधाम से जम्मू के अंदर मनाया जा रहा है। ये डोगरा रिचुअल्स हैं, एक उस रिचुअल के मुताबिक इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। ये हमारे डोगरों का व्रत होता है बच्छ दुआ। जे हमारे हम अपने देवताओं का व्रत रखते हैं और बच्चों का व्रत होता है, जे हम इसको बोलते हैं बच्छ दुआ व्रत। जे सारी लेडीज हम बैठ के पूजा करते हैं और ये कहानी सुनाते हैं कि ये क्या हुआ था। बस यही है कि बच्छ दुआ हम डोगरों का बच्चों के लिए ये फास्ट रखते हैं, इसको बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं। सुबह से हम बैठे हुए हैं, अभी पूजा करके फिर कुछ खाएंगे। और इसकी कहानी भी है एक कि एक वो सास और वो बहू होती हैं, तो उनकी सास बाहर जाती है, कहती है कि वो बना देना, वो टोकरी में एक मच्छ रखा होता, उसने कहा कि मच्छ बना देना। तो वो क्या करती है, बहू को समझ नहीं आती, वो क्या करती है, सोचती है बच्छ बना देना। वो क्या करती है, गाय का बच्चा होता है ना उसको काट के बना देती है। तो जब उसकी सास आती है तो वो कहती है जो मैंने बोला था वो बना दिया, वो कहती है हाँ मैंने बना दिया। जब वो देखती है तो वो तो उसने गाय का बच्चा बना दिया होता है। फिर ये जो हम कट्टू बच्छू बनाते हैं ना, इसमें रखे हुए हैं हमने छोटे छोटे कट्टू बच्छू बना के रखे हुए हैं, तो फिर वो उसकी सास कहती है तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। फिर वो ये छोटे से कट्टू बच्छू बनाती है और ये व्रत की मन्नत करती है कि ये व्रत रखेंगे और वो कट्टू जिंदा हो जाएगा। और वो जो कट्टू होता है वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के नीचे आ जाता है दूध पीने के लिए, तो इसलिए कट्टू बच्छू बनाते हैं। तो ये पूछते हैं सतनू ही दोते उन्हें व्रत रखे नहीं, तो करना सुहागी तो करना दुआगी, जारी सुहागी नूह ही जारी दुआगी हो सस ही, और नहाने गई आखने की मैं छिके पैदा मछ ते वह बनाई उड़ो मेरे आंदे नूह ही आखिए। नूहा ने मछ मुछ है नहीं लभा उसी, तो उन्हें खुंडे बनने का बच्छू उन्हें हल्ले का बनाई उड़ा, चल बनाई उड़ा तो फिर वह भी नहा चली उपर बस है और नहाती तो खड़के बस नूह ही नहा दी आखन लगी भाई और ये बाल रुड़ते आए सिर धोता उन्होंने नूहा ने बाल रुड़ते आए ना, ते मेरी नूहा दे ते नूह एडे गल बनाई आई भला गए ते जिला घर आए ते नूह ही पूछी बनाया, उन्हें आखिया हाँ मैं बनाया, मेरी मछ मुछ है नहीं लब्भा ते मैं बच्छू बनाई, उन्हें पतीला चुकया ते जिहड़ा गोहे का ढेर होंदा ना उहदे दब्बी उड़िया, उहदे जिहड़ा दब्बी उड़िया उन्हें, तो फिर उन्हें दब्बी उड़िया ते उन्हें उहदा जिहड़ा पुत्र आ उह बारह सालां घर नहीं खाए दा, ते उन्हें कहता एक गला च कपड़ा पाया दुपट्टा ते उन्हें एक लत्त भर खड़ोई आख लगी जियां बारह बरे दा मेरा पुत्र ने घर आया वह घर आऊग ते शामी चार बजे दे लगावां आऊं उन्हें, ते बच्छू जेल्लै गत्ते बिच्चा निकले उसी चुंगड़े बेही जाह्ग ते फिर अ'ऊं तुगी मन्नूं। फिर उन्हें जेल्लै बच्छ दुआ ने उन्हें खड़ोती रेह चार बजे ते गवां आइयां रवांदियां, बच्छू गत्ते चा निकली ऐ ते बाहर आई गिया गवें चुंगल ने पिया, ते जेह्ड़ा
पुत्र हा 12 साल गया वह भी घर आई है। उन्हें आखिया जी तु सतयुग मन तु कलयुग मन जय बच। अगर आप देख सकें तो देखिए किस तरीके से जो है बछदुआ वो उसकी पूजा की जा रही है जम्मू के अंदर आपके सामने। तो आपने देखा डुग्गर संस्कृति की जो विरासत है उसमें से आज एक त्यौहार एक रीति रिवाज बछदुआ के नाम से मनाया जा रहा है और इस त्यौहार को पूरा डुग्गर समाज बड़े धूमधाम से मना रहा है, चाहे वो मंदिर में हो या वो रणवीर नहर के किनारे हो। आपने देखा किस तरीके से वहाँ पे खासकर जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और इस संस्कृति को संजोने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आप हमने ये भी देखा कि बड़ी सारी जब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज के दिन वो अपने बच्चों के सलामती के लिए फास्ट भी करते हैं व्रत भी करते हैं और ये जो आज बछद्वा डुग्गर संस्कृति का जो दिन है त्यौहार है रीति रिवाज है ये जन्माष्टमी के नेक्स्ट जो एकादशी आती है उसके अगले दिन मनाया जाता है। आपको हमारा ये आज का डुग्गर संस्कृति पे दिखाया हुआ बछद्वा का प्रोग्राम किस तरीके से लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन काका जी के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय डुग्गर।